हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बॉस इन्फो जोन को एंड प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारा हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच। जैसे कि आप लोगों ने कहा कि बिहार यूडी आईडी कार्ड के लिए कैसे क्या क्या करेंगे, तो हम उसको लेकर वन बाय वन स्टेप आप लोगों को बताने वाले हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सिर्फ बिहार को ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया सबका सेम ही प्रोसेस है। बस वहाँ पर सिलेक्ट आपको स्टेट करना है, बस स्टेट आप सिलेक्ट कर लिए, बाकी सब कुछ फाइन है। तो सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि अगर इससे जुड़ी अगर हर प्रकार के और वन बाय वन स्टेप अगर आप चाहते हैं कि हम इसको समझाएं, क्योंकि ये बहुत टफ है, और इसको करने के लिए सबसे पहले आपका फ़ोटो और आपका सिग्नेचर और आपका सर्टिफिकेट का स्कैन, सब चीज़ का मतलब स्कैन, और उसको 15 KB से लेकर 20 KB तक, 100 KB तक, 15 KB तक, 10 KB तक, सब कार्ड साइज़ होना चाहिए। सबसे पहले ज़रूरी ये डॉक्यूमेंट है, और उसको फिल करने के लिए मिनिमम 20 मिनट से 25 मिनट लगेगा, क्योंकि उसे बहुत ही ध्यान से भरना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 4 स्टेप्स है और पूरा स्टेप को वन बाय वन स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, और उसे अच्छे तरीके से भरेंगे तभी आपका यूडी आईडी कार्ड, मतलब क्या बोलते हैं, वो बनकर आएगा और उसमें कोई एरर नहीं होगा। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है वो करने से, कि बीच में पेंडिंग पड़ जाए और हम और आप परेशान हो जाए। तो चलिए हम आपको एक बार वहाँ ले चलते हैं और कैसे क्या करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलेंगे क्रोम पे। क्रोम पे चलने के बाद अपने गूगल पे जाइए, और गूगल में जाने के बाद सर्च मारिए अपने गूगल पे यूडी आईडी कार्ड। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले अपने गूगल पर जाइएगा, गूगल पर जाकर यूडी आईडी कार्ड मारिएगा। फर्स्ट जो यूडी आईडी ऑनलाइन अप्लाई आएगा उसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद वन बाय वन डिटेल्स यहाँ पर देखिए, पर्सनल डिटेल्स देना है, अपना नाम भरिए, यहाँ फादर का नाम दीजिए, यहाँ पे पहले अपना नाम डालिए, यहाँ पे ऐसे सेम वन बाय वन स्टेप ऐसे डालते जाइए। देखिए हम यहाँ पर भरे हुए थे ताकि ज़्यादा समय ना लगे, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि इसे हम अच्छे से समझाएं और बताएं और पूरे फॉर्म को फिल करके दिखाएं आप लोगों को, यहाँ पे पहले फ़ोटो डालना है, यहाँ पे सिग्नेचर डालना है अपना, या फिर अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा डालना है, अंगूठा का निशान वहाँ पे पोस्ट करना है, डालकर अपलोड करना है डॉक्यूमेंट को। यहाँ पे वन बाय वन अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, सब कुछ, पिन कोड, इस पर सब डालिए। यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं, अपलोड प्रूफ, जो आपका प्रूफ है जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई डी कार्ड, जो भी है यहाँ पे अपलोड कीजिए। अपलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें कितना स्टेप है, एक स्टेप, दो स्टेप, डिसेबिलिटी डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स, ये चारों करने के लिए कम से कम मिनिमम अगर अच्छे से दिया जाए समय तो 40-45 मिनट लगेगा। तो हम चाहते हैं कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हम बताएं और अच्छे से इसको आप इसका फ़ायदा उठाएं और अपने गांव परिवार में जो भी है उसको हेल्प करें, या फिर अपने स्थानीय साइबर कैफ में जाकर इस फॉर्म को भरें, अगर आप फ़ोन में कर सकते हैं तो फ़ोन में करें, तो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। तो हम इस पर चाहेंगे कि मेहनत करके आप लोग के लिए बनाएं और आप लोग के बीच इसको अपलोड करें आप लोग, ताकि इसका फ़ायदा उठा सकें। तो ठीक है दोस्त, बस इतना ही था। कुछ हमारे दोस्तों का कमेंट आया था, सवाल था, इसलिए हमने ये चीज़ पहले वीडियो बनाकर डालना सोचा, क्योंकि हमने कोशिश किया था ये वीडियो बनाने का, बट बहुत एरर चल रहा है लिंक को लेकर, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा ही बनाकर सबको ऐड कर आप लोग के बीच में लाएँ, ठीक है दोस्त, और उसका फ़ायदा आप लोग उठाएं, हम लोग भी उठाएं, हर कोई उठाए। तो ठीक है दोस्त, चले मिलेंगे हम लोग दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपना सवाल का जवाब सवाल करें, हम जवाब देंगे, और सवाल का आपका जवाब ज़रूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप चाहेंगे तो पूरा फुल वीडियो भी बना कर डालेंगे, ताकि आप लोग वन बाई वन स्टेप उसे देख कर समझ कर सकें खुद से। चलिए फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।